नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो यूपी ट्रिपल एससी में एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है आपके लगातार। अभी मंडी परिषद जो इतने दिनों से पेंडिंग रिजल्ट था उसको भी उसका भी फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया और आपका वन रक्षक वन जीव रक्षक का भी एक रिजल्ट आपका आ गया है। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये मेडिकल रिजल्ट है कि मेडिकल में कितने लोगों को पास किया गया है। अब आगे का जो क्रम है उनका डीवी पीएसटी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे जो हैं डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो ये 2019 की भारतीय वन रक्षक और वन जीव रक्षक की, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बच्चे पास किए गए थे इसमें 655 पद थे, इसमें टोटल 5630 लोगों का एक तरह से बोला जाए फिजिकल टेस्ट आपका हुआ था। इसके बाद इसमें से जो अभ्यर्थी पास हुए थे वो 3398 अभ्यर्थी थे। ये 3398 अभ्यर्थियों का मेडिकल के लिए बुलाया गया था और उस मेडिकल में 3398 में से 2949 अभ्यर्थियों ने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली। अब इसके बाद से इतने अभ्यर्थियों का जो होगा अब डीवी होगा, उसमें जो आहार होंगे जो उनका डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट होगा उसमें से आपके 655 आपके क्योंकि रिक्त पद हैं इन पर आपका रिजल्ट आएगा। तो जो लोग अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ दे दी जाएगी, आपका रोल नंबर के वाइज आपका रिजल्ट घोषित किया गया है। तो आप इन सभी लोगों का डीवी होना है, तो आयोग से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी डीवी ये करा लें, जो भी पेंडिंग भर्ती है जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि शासन का कहीं ना कहीं दबाव इन पर है कि जल्द से जल्द जितनी भी भर्तियां हैं नई नियुक्तियां भी निकालिए, जो भर्तियां पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करिए क्योंकि सरकार को अपना चुनाव भी लड़ना है। तो इस वजह से थोड़ा तेजी देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में आपके लेखपाल वाले बच्चे भी, क्योंकि उनका भी सब कुछ हो चुका है, बस नियुक्ति के लिए वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखते हैं शासन कब उनकी बात सुनता है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लास्ट में जाके उस भर्ती को लटकाया गया है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी उम्मीद है, जैसे चल रहा है वैसे उम्मीद ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में उनके भी जो रास्ते हैं वो साफ हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे यहां सेलेक्ट हुए हैं मेडिकल के बाद डीवी के लिए, उन सबको टीम परीक्षा प्लस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी जरूर कमेंट में बताइएगा कि कितने लोगों का वन रक्षक वन जीव रक्षक में डीवी के लिए कॉल आया है। तो चलिए, बाकी जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना और होगी हम जरूर आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।